अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राहिल सिद्दीकी। इस वीडियो में मैं पुश डाउन ऑटोमेटा का पार्ट 4 प्रेजेंट करूंगा। इस पार्ट में हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल क्या है? डिजाइन एग्जांपल और क्वेश्चन क्या है? डिजाइन अ पीडीए टू एक्सेप्ट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, आई Each left parenthesis has a matching right parenthesis, and pairs of matching parentheses are properly nested. तो इस क्वेश्चन में हमने PDA बनाना है, और वो PDA किस तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा? लैंग्वेज ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, ठीक है ना। बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्या हो सकते हैं? एक पॉसिबल स्ट्रिंग, ये देखिए, ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है, ठीक है ना। एक लेफ्ट पैरेंथेसिस है और एक राइट पैरेंथेसिस है, ठीक है ना। लेफ्ट पैरेंथेसिस कौन सा है? ये वाला। और राइट पैरेंथेसिस कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप इसको देखें, तो इसमें भी पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है। ये लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए ये वाला राइट पैरेंथेसिस है, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए ये वाला राइट पैरेंथ है, और इस वाले लेफ्ट पैरेंथ के लिए ये वाला राइट पैरेंथ है, ठीक है। तो हर लेफ्ट पैरेंथेसिस को आपने राइट पैरेंथेसिस में बैलेंस करना है, और जो पैरेंथेसिस हैं वो प्रॉपरली नेस्टेड हों। एक और पॉसिबल स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के लिए हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें बात याद ये रखनी है कि हमेशा लेफ्ट पैरेंथ से शुरू होगा स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो, ठीक है ना। ये देखिए, ये सारे लेफ्ट पैरेंट से शुरू हो रहे हैं, इसको भी देखिए, लेफ्ट पैरेंट से शुरू हो रहे हैं, और सारे के सारे खत्म किससे हो रहे हैं? राइट पैरेंट से, ठीक है। सही है। तो ये बात हमें नोट करनी है कि हर स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का लेफ्ट पैरेंट से शुरू होगा और राइट पैरेंट पे खत्म होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम ये कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्टैक है, तो जब भी हम लेफ्ट पैरेंट देखें तो हम एक एक्स को पुश कर दें, ठीक है, सही है ना। और जब भी हम राइट पैरेंट देखें तो इस एक्स को, जो भी टॉप पे एक्स है उसे पॉप कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ये बात का ख्याल रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि लेफ्ट और राइट पैरेंट की तादाद बराबर है, ठीक है ना। अगर हर एक्स पर हम हर लेफ्ट पैरेंट पे हम एक्स पुश करेंगे और हर राइट पैरेंट पे एक्स पॉप करेंगे, और स्ट्रिंग ख़त्म होने के बाद स्टैक में सिर्फ डॉलर रह जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट पैरेंट की तादाद बराबर है। लेकिन हमें सिर्फ तादाद बराबर का ही नहीं देखना है, क्योंकि देखिए, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का कोई हो, तो अब इसमें क्या है, लेफ्ट पैरेंट की तादाद एक और दो है और राइट पैरेंट की तादाद एक और दो है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपरली नेस्टेड नहीं है, इसीलिए ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट हमें हमेशा लेफ्ट पैरेंट से ही करना है, और एंडिंग हमेशा हमें राइट पैरेंट से करनी है, ठीक है। यानी कि
ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल आपने अभी कोई लेफ्ट पैरेंट देखा ही ना हो और राइट पैरेंट आ जाए, ठीक है, या आप स्ट्रिंग को या मशीन स्ट्रिंग को रीड कर रही है और अभी तक जो करेक्टर्स रीड किए हैं उसमें राइट पैरेंट की तादाद लेफ्ट पैरेंट से ज़्यादा हो जाए, तभी किसी पॉइंट पे भी ना इनपुट रीड करते हुए लेफ्ट राइट पैरेंट की तादाद लेफ्ट पैरेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखें फॉर एग्जांपल आपका इस तरह से है स्ट्रिंग, क्या ये बैलेंस्ड है? इसमें कितने हैं लेफ्ट पैरेंट चार हैं, एक दो तीन और चार, और राइट पैरेंट कितने हैं, एक दो तीन चार। अब क्या ये प्रॉपर, ये क्या बैलेंस्ड है या ये प्रॉपरली नेस्टेड है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ने पहला लेफ्ट पैरेंट रीड किया, दूसरा आपने लेफ्ट पैरेंट रीड किया, पहला रीड किया दूसरा रीड किया, फिर आपने दो राइट पैरेंट यूज़ किए, अब आपने दो लेफ्ट और दो राइट रीड कर लिए, अब जब आप तीसरा राइट रीड करेंगे तो राइट पैरेंट की तादाद लेफ्ट से ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसी राइट पैरेंट की तादाद अगर लेफ्ट से बढ़ जाए तो उसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रिंग है ना वो प्रॉपरली नेस्टेड नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं? अगर किसी भी पॉइंट पर आपके राइट पैरेंट की तादाद लेफ्ट पैरेंट से की तादाद से बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रिंग प्रॉपरली नेस्टेड नहीं है। ठीक है, आपका स्ट्रिंग प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। तो हमेशा लेफ्ट पैरेंट की तादाद राइट पैरेंट से ज़्यादा होनी चाहिए जब हम रीड कर रहे हों, और आखिर में जब स्ट्रिंग एंड हो रहा हो तो लेफ्ट और राइट की तादाद बराबर हो जानी चाहिए। आपको आपके समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा तो इसको हम स्टैक में किस तरह से इंश्योर करेंगे कि स्टैक इस चीज़ को फॉलो करें, इस चीज़ को हम स्टैक के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, जब भी आप लेफ्ट पैरेंट रीड करें तो आप एक्स को पुश करते रहें, ठीक है ना, आपने एक रीड किया दूसरा रीड किया आपने एक्स को पुश कर दिया, फिर जब राइट पैरेंट रीड करें तो एक्स को पॉप करें, फिर अगला राइट रीड किया एक्स को दोबारा पॉप करें, फिर जब तीसरा आप राइट रीड करें तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आप राइट पैरेंट रीड कर रहे हो और स्टैक पे डॉलर है टॉप ऑफ स्टैक। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है या प्रॉपरली नेस्टेड नहीं है। हमेशा जब आप राइट पैरेंट रीड करो तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि स्टैक के टॉप पे एक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप राइट पैरेंट रीड कर रहे हो तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि स्टैक के टॉप पे एक्स हो। अगर एक्स नहीं है और डॉलर है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रिंग है पैरेंथेसिस का वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, सही है ना? तो आपने किस तरह से, तो ये एक स्ट्रिंग बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का स्ट्रिंग है। इसमें क्या होगा, जब आप पहले लेफ्ट को रीड करोगे, जब पहले लेफ्ट को रीड करोगे तो आप
स्टैक में हैक्स पुश कर दोगे, अगले लेफ्ट को रीड करोगे तो एक और एक्स पुश कर दोगे, फिर राइट को रीड करोगे तो एक्स को पॉप कर दोगे। जब आपने राइट रीड किया तो स्टैक के टॉप पे एक्स था, ये ज़रूरी है। जब आप लेफ्ट रीड करोगे तो एक और एक्स पुश कर दोगे, जब राइट रीड करोगे तो एक्स पॉप कर दोगे, जब लेफ्ट रीड करोगे तो एक एक्स पुश कर दोगे, आपके दो एक्स हैं, ठीक है। अब आपने राइट रीड किया तो आपने एक्स को पॉप किया, अगला राइट रीड किया तो आपने एक्स को दोबारा पॉप करके, अब जब आप एप्सिलॉन रीड करोगे तो स्टैक के टॉप पे डॉलर होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो आप फिर फाइनल स्टेट में चले जाओगे, ठीक है। तो ये पुशिंग और पॉपिंग जो है वो हम एक स्टेट में रह के भी कर सकते हैं, हमें पुश या पॉप सिर्फ और सिर्फ एक्स को करना है। जब लेफ्ट पैरेंथ हम देखें तो हमें एक्स को पुश करना है, जब राइट पैरेंथ हम देखें तो हमें एक्स को पॉप करना है। और एक और कंडीशन ये है कि जब हम राइट पैरेंथ देखें तो स्टैक के टॉप पे एक्स ही होना चाहिए, इसके बाद जब हम लेफ्ट पैरेंथ देखें तो स्टैक के टॉप पे एक्स भी हो सकता है और डॉलर भी हो सकता है, ठीक है। और जब इनपुट ख़त्म हो जाए और तो स्टैक के टॉप पे डॉलर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ये तो हमने ऐसी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। और सोल्यूशन हम कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, ठीक है। हम अपने मशीन को हम अपनी मशीन को क्या कह रहे हैं, पीडीओ क्या कह रहे हैं, एम कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इसमें दो पॉसिबल स्टेट्स हैं, एक है हमारा क्यू नॉट और एक है हमारे क्यू वन जो कि हमारी फाइनल स्टेट। और जनाब इनपुट अल्फाबेट हमारे क्या हो सकते होंगे, इनपुट अल्फाबेट हमारे क्या होंगे, लेफ्ट पैरेंथ और राइट पैरेंथ, ठीक है। लेफ्ट पैरेंथ और राइट पैरेंथ, स्टैक के अल्फाबेट क्या होंगे हमारे, स्टैक में या तो सिर्फ एक्स जा सकता है या जो इनिशियल सिंबल डॉलर स्टैक का, इसके अलावा जनाब यहाँ पे पुश डाउन सिंबल आ गया, फिर आपकी ट्रांजिशंस हम नीचे करेंगे स्काइप, और आपकी स्टार्ट स्टेट क्या होगी या इनिशियल स्टेट क्यू नॉट होगी, आपका इनिशियल स्टैक सिंबल डॉलर होगा, और आपकी फाइनल स्टेट क्या होगी क्यू वन, ठीक है। अब जनाब हम अपनी ट्रांजिशंस लिखना शुरू करते हैं, ट्रांजिशंस में अगर हम क्यू नॉट पे हैं और हमने लेफ्ट करंट रीड किया और स्टैक के टॉप पे डॉलर है तो हमें
उसी स्ट्रेट पे करना है, और लेफ्ट पैरेंथेसिस में हम क्या करते हैं, देखिए तो एक्स को हमने पुश करना, अगर हम इसी स्टेट पे हैं और हम लेफ्ट पैरेंट रीड कर रहे हैं, लेफ्ट पैरेंट ही एक्सपेक्टेड डॉग पे है, तो हमें इसी स्टेट पे रहना है, और नहीं सॉरी एक्सपेक्टेड डॉग पे स्टैक पे तो ये लेफ्ट पैरेंट जाएगा ही नहीं, एक्सपेक्टेड डॉग पे होना चाहिए एक्स होना चाहिए, हम लेफ्ट पैरेंट एक्स होना चाहिए या डॉलर होना चाहिए, तो हम ये वाला जो एक्स है इसके ऊपर एक और एक्स पुश कर देंगे। अब अगर हम क्यू नॉट पे ही हैं और राइट पैरेंट हम रीड कर रहे हैं तो इस ट्रैक के टॉप पे एक्स होना चाहिए, राइट पैरेंट रीड करते हुए एक्स के टॉप यानी स्ट्रैक के टॉप पे डॉलर होना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे और क्या करेंगे, और फिर हम इस एक्स को राइट पैरेंट जब आए जब भी आए तो हमने टॉप ऑफ स्ट्रैक को पॉप करना है, पॉप कर देंगे। अच्छा अब ये सब कुछ होता रहेगा, एक वक्त आएगा कि आप क्यू नॉट में होंगे, इनपुट आपका ख़त्म हो चुका होगा और इस ट्रैक के टॉप पे उस वक्त डॉलर होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डॉलर को वैसे का वैसे ही रहने दें, उस फाइनल स्टेट पे चलेंगे। अगर आपका इसके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन में आपकी मशीन पहुंच जाए, यानी कि आप अगर जैसे राइट पैरेंट रीड कर रहे हैं और स्टैक के टॉप पर डॉलर है, तो वो उसको हम कहेंगे डेड कॉन्फ़िगरेशन और उसमें इनपुट रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो जो इसके अलावा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, अगर इन चार के अलावा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में मशीन चाहिएगी, तो वो मशीन डेड कॉन्फ़िगरेशन में चली जाएगी और उसमें बस फिर इनपुट रिजेक्ट ही होंगे, ठीक है। तो खैर इसका ये क्या है एक्सेप्टेंस, पहली बात तो ये है कि ये डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है, ठीक है, दिस इज द डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास एक ही ट्रांजिशन है, ठीक है ना। अगर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मल्टीपल ट्रांजिशंस अवेलेबल हों तो फिर तो होता है एनपीडीए, हम थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन अगर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ही ट्रांजिशन हो तो हम उसे कहते हैं DPDA यानी डिटर्मिनिस्टिक PDA, और ये हम क्या इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस किस तरह कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट कर रहे हैं, और ये मशीन क्या है, ये DPDA है, डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक PDA है, ठीक है भाई। हमने इस Q1 को फाइनल स्टेट किया, इसकी ग्राफिकल लोकेशन क्या होगी उसको भी हम बना सकते हैं।
दो स्टेट्स होंगी हमारी, स्टेट्स को हम कैसे रखेंगे सर्कल्स के थ्रू, एक हमारी होगी क्यू नॉट और एक हमारी होगी क्यू वन, क्यू नॉट और क्यू वन, ठीक है, हमारी स्टार्ट स्टेट है और जनाब हम अगर सॉरी अगर हम राइट लेफ्ट पैरेंट ट्रीट करें, मशीन लेफ्ट पैरेंट ट्रीट करें और डॉलर स्टैक के टॉप पे है तो लेफ्ट पैरेंट को स्टैक पे पुश कर देना, लेफ्ट पैरेंट को नहीं बल्कि एक्स को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट पैरेंट रीड करें और लेफ्ट पैरेंट ही स्टैक के टॉप पे हो तो लेफ्ट पैरेंट को हमने पुश कर देना, नहीं सॉरी एक्स को पुश कर देना, और ये लेफ्ट पैरेंट स्टैक के टॉप पे नहीं होगा, ये आपके स्टैक के टॉप पे होगा एक्स, सही है, जो स्टैक के टॉप पे एक्स है उस पे एक और एक्स हम पुश कर देंगे। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर राइट पैरेंट हो और स्टैक के टॉप पे एक्स हो तो हमने क्या करना है, एक्स को पॉप कर देना है, ठीक है, और दैट्स इट। जब इनपुट खत्म हो स्टैक के टॉप पे डॉलर होना चाहिए, तो वैसे का वैसे ही रहने दें, ठीक है, और फाइनल स्टेट में मूव कर दें, ठीक है। तो ये फाइनल लोकेशन हो गई, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं अपनी ये जो वीडियो है इसको यहाँ पे एंड करता हूँ, आप ये वीडियोस देखते रहें, मुझे फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यू डोंट मिस एनी कंटेंट। ओके देन, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।